राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी घमंडी गठबंधन के पास ना नीयत है, ना नेता है और ना नीति है, जबकि दूसरी ओर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन को अपना ध्येय मानकर जनता के बीच काम किया है। सीएम बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार सख्त है। राजस्थान में जो कार्रवाई हुई उसमें युवाओं में सुकून है। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भारत की करोड़ों जनता की आशंकाओं का ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया विजन डॉक्यूमेंट है। जयपुर में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित हुए, जहां भाजपा पार्षद प्रत्याशी ने पार्टी में दुपट्टा व शॉल ओढ़कर 400 पार की अग्रिम बधाई दी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली की सभा में भरतपुर पहुंचकर भाजपा पार्षद प्रत्याशी शाहनवाज अंसारी ने पार्टी दुपट्टा व शाल पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई दी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पार्टी दुपट्टा व शॉल पहनाकर 400 पार जीत की अग्रिम बधाई दी। पूर्व सांसद व लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली ने अंसारी का आभार व्यक्त किया। भरतपुर के रूपवास से खबर, जहां धौलपुर रोड स्थित लीला शाह मैरिज गार्डन में प्रभु जन सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब की बार फिर से मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने हैं और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसे सार्थक करना है। इसके लिए भरतपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय बनाने की अपील भी की। देसूरी से खबर, जहां कस्बे में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा में 36 कौम के लोगों ने भाग लिया। सूंधा माता जी का भव्य वर घोड़ा रविवार सुबह निवास स्थान आई माता मंदिर से शुरू होते हुए डीजे व बैंडबाजे के साथ सिरवी समाज वडेर में गादी और भूमिया देवल परिवार से गादी लेकर माता के दरबार पहुंचे। सवार रथ में संत सतगुरु भवर महाराज, भगा बाबा और दूसरी रथ में भूमिया दाता राम सिंह देवल और अर्जुन सिंह कुंपावत बैठे थे। गाजबाजे के साथ चौधरियों की फलानी शनिवार चौक से बस स्टैंड पहुंचे। आगे आगे डीजे पर महिलाएं मंगल गीत के साथ नृत्य करते हुए, पीछे बैंडबाजा, फिर नासिक ढोल के साथ दाबेला तालाब होते हुए सूधा माता मंदिर पहुंचे। मकराना से खबर, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर व सहायक रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम मकराना के निर्देश अनुसार सतरंगी सप्ताह के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना में आज ऑरेंज थीम के तहत वोट करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षा विभाग की छात्राओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में रंगोली बनाई व पंचायत समिति तक की एक रैली का आयोजन किया। तत्पश्चात उपस्थित मतदाता समूह को 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आवश्यक रूप से वोट देने के लिए निर्देशित किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के द्वितीय प्रशिक्षण के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, जिसमें 4 प्रशिक्षण स्थल बनाए गए। नियुक्त मतदान दलों के समस्त मतदान मुख्यालय, महिला व कार्मिकों का जिला मुख्यालय प्रशिक्षण में लगभग 10,000 कार्मिकों को ट्रेन होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि लोकसभा चुनावों के द्वितीय प्रशिक्षण के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्मिकों की प्रशिक्षण आज से शुरुआत हुई। जो सेकंड
ट्रेनिंग है हमारे मतदान कर्मियों की, वो आज से शुरू हुई है। 4 सेंटर्स इसके लिए बनाए गए, जिसमें MLV टेक्सटाइल कॉलेज है, राजेंद्र नगर वाली स्कूल है, तो इस तरह के 4 सेंटर्स हमने बनाए हैं। 15 तारीख से 19 तारीख तक ट्रेनिंग चलेगी इन लोगों की, जितने भी मतदान कर्मी हैं उनका सेकेंड राउंड की ट्रेनिंग चलेगी। 26 तारीख को मतदान होना है और 20 तारीख को हमने जो ट्रेनिंग रखी है वो हमारे जो कुछ महिला बूथ बनाए गए इस बार और कुछ हमने PWD बूथ बनाए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जो है वहाँ उन मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग जो है वो 20 तारीख को रखी गई है। 10,000 के लगभग लोग इसमें ट्रेन होंगे और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, जो मतदान कर्मी है वो अपना पोस्टल बैलेट दे सके, उसकी व्यवस्था भी करी गई है। तो ओवरऑल अच्छी सुचारू हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मेरे द्वारा भी आज विजिट MLV टेक्सटाइल कॉलेज विजिट किया गया था, अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छा चुनाव, बिना किसी एरर के, बिना किसी कमी के अच्छा चुनाव। नहीं, वो तो ये सभी कार्मिक जो ट्रेनिंग पे आएंगे, हर दिन जो जो ट्रेनिंग पे आ रहे हैं वो लोग अपना अपना मत अपना मत कास्ट करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। तो आज जिनकी ट्रेनिंग है 15 तारीख की, तो वो लोग अपना मतदान कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर पे ही वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, ताकि वो वहीं पर ही अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपना वोटिंग का भी कार्य, खुद का जो स्वयं का उनका वोट है वो भी कास्ट कर ले, क्योंकि एक्चुअल वोट के दिन वो लोग ड्यूटीज पे रह सकते हैं। केलवाड़ा से खबर, जहां चैत्र नवरात्र पर सप्तमी के दिन सिलोरी धाम में विशाल भंडारा व 108 कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्त पहुंचे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केलवाड़ा क्षेत्र में विशेष साज सज्जा के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही है, जिसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन विशेष रूप से भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष माँ सिलोरी के दरबार में विशाल भंडारे और माँ सिलोरी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी रही। किया जा रहा है आयोजित, उसमें आपका क्या कहना है, किस प्रकार से? श्री सीताराम सरकार की जो, श्री सिलोरी धाम की जो, बालाजी महाराज की जो, जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप लोगों को बता दें हम लोग कि हमारे श्री सिलोरी धाम में 108 कन्याओं का पूजन है, जहां पर यहां आसपास की जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़कियां थी उनका 108 कन्याओं का पूजन रखा गया, तो वो मां माई की कृपा से संपन्न हो पाया और लगभग 5-7 हजार आदमियों का भंडारा, जो अभी तक भंडारा चल पा रहा है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे।